गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत रिसेंटली डिसाइड किया है। केस का नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। दोस्तों, फेसलेस असेसमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा इशू एसएससी के सामने ये है कि एसएससी अपनी सारी बात पेपर्स के द्वारा जो है वो नहीं समझा सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमको अपनी बात को वर्बली कह के समझाना पड़ता है और तभी जो है सामने वाला उस बात को समझ सकता है कि एक्चुअल में एसएससी अपनी बात अपने पक्ष में क्या कहना चाहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस डिसाइड किए गए असेसमेंट ईयर 18-19 के जहां पे एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट दी और उसकी पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करके असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए गए। ऐसा ही एक केस है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट्स। ये केस 21 मई 2021 को डिसाइड किया गया और इसी की तर्ज पे रिसेंटली दो केसेस और डिसाइड किए गए। केसेस का नाम है रितनन बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, सत्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। ये केस में ही इन तीनों केसेस में एक ही कोर्ट का जजमेंट है कि यदि एसएससी ने अपनी पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट दी है तो डिपार्टमेंट को मोटे तौर पे उसको पर्सनल हियरिंग का मौका देना है और उसके बिना यदि असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वैलिड नहीं है बिना हियरिंग को का मौका दिए। यदि हमें इस केस को समझना है तो इस केस में हमको सेक्शन 44B सबसेक्शन 7 क्लॉज 7 के अंदर ये बात कही गई है कि यदि एसएससी को ऐसा लगता है कि उसको पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत है तो एसएससी पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट दे सकता है। फिर सेक्शन 144B सबसेक्शन 7 क्लॉज 8 के अंदर ये कहा गया है कि यदि कमिश्नर इंचार्ज को ऐसा लगता है कि एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए तो एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए। और सेक्शन 144B सबसेक्शन 7 क्लॉज 12 के अंदर ये ऐसे सर्कमस्टांसिस को बताने के लिए कहा गया है जहां पे एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा। तो सेक्शन 144 सबसेक्शन 7 क्लॉज 12 के अंदर के तहत एक सर्कुलर इशू किया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि एसएससी ने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया है, अपने सबमिशंस दे दिए हैं और एसएससी पर्सनल हियरिंग के लिए कहता है तो एसएससी को आपको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया देना है। ये पर्सनल हियरिंग जनरली 30 मिनट्स की होगी और यदि एसएससी को या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा लगता है कि ये पर्सनल हियरिंग और लंबी चलनी चाहिए तो उसके लिए भी आपको उसको पूरा मौका देना होगा और एसएससी इस पर्सनल हियरिंग के दौरान भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों ही केसेस के अंदर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 144B क्लॉज 7 को इग्नोर करते हुए असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए और कोर्ट ने इन तीनों केसेस के अंदर असेसमेंट ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 144B सबसेक्शन 7 क्लॉज 7 8 12 के तहत जो भी पर्सनल हियरिंग का मौका एसएससी को दिया जाना चाहिए उसको वो मौका दिया जाए ताकि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन हो सके और एसएससी अपनी बात जो है वो पूरी कह सके। फ्रेंड्स, इन तीनों केसेस से एक बात ये निकल के आती है कि कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर फिस्कल लॉस के अंदर एक पर्सनल हियरिंग का अपना महत्व होता है। कोर्ट्स ने इस बात को समझा है और उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हुए खाली इन तीन केसेस में नहीं बहुत सारे केसेस के अंदर ये फैसला हुआ है कि एसएससी यदि पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट देता है तो एसएससी को एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इन तीनों केसेस से एक बात और ये निकल के आती है कि जब कभी भी हम अपनी असेसमेंट कराएं तो चाहे हमको पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत हो या ना हो, हमको अपने
रिप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं इन बात को जरूर लिखना चाहिए कि हमें एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार मैटर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एसएससी जो है वो अपनी बात नहीं कह पाता। यदि आपने इस राइट को अपने रिप्लाईज में एक्सरसाइज नहीं किया है तो ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस बात की प्री ले कि एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं दी। तो हमको अपने रिप्लाईज के अंदर कहीं ना कहीं एक ये बात लगानी होगी कि जब कभी भी हमको असेसमेंट के दौरान कभी एक बार पर्सनल हियरिंग का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और पर्सनल हियरिंग को अडॉप्ट करने के लिए एसएससी को अपने सबमिशंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 144B सबसेक्शन 7 क्लॉज 12 सब क्लॉज एच के अंदर जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि यदि एसएससी ने अपने सबमिशंस सबमिट किए हैं तभी वो पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट जो है वो दे सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लीड केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। लीड केस का नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, और ये केस में 21/2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 437 ITR पेज नंबर 111 पर रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई डेलीब्रेशन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।